हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाइट एग और ब्राउन एग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अंडे दो तरह के होते हैं। एक होता है ये ब्राउन एग, जिसे हम बोलते हैं देसी अंडे, और ऐसा मिथ है, मिथ ही बोलेंगे, कि इसमें ताकत ज्यादा होती है, ठीक है। और एक होता है ये पोल्ट्री फॉर्म के अंडे, व्हाइट एग, और ऐसा कहना कि इसमें ताकत कम होती है ब्राउन एग के कंपेयर में। तो आज मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि क्या वाकई व्हाइट अंडे में, सफेद वाले फॉर्म वाले अंडे में ताकत कम होती है। तो आज मैं आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यू के बारे में बताने वाला हूं कि अगर हम ज्यादा पैसे खर्च करके ब्राउन एग मतलब देसी अंडे लेते हैं तो क्या ये सही है, इसमें ताकत ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम अंडों की न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करते हैं। ब्राउन एग हो या व्हाइट एग हो, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम फैट होता है जो कि योक से आते हैं, येलो वाला पीला वाला जो हिस्सा होता है योक, उससे 5 ग्राम फैट, होल एग की बात कर रहा हूं कि एक होल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट 0 होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है करीब 180 मिलीग्राम, और इसमें सोडियम भी है। तो व्हाइट एग या ब्राउन एग दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल ही सेम है। अंतर क्या है? जो देसी अंडा होता है ब्राउन एग, वो ब्राउन मुर्गी से आता है, सिंपल। और जो व्हाइट एग होता है, मतलब कि जिसे हम फॉर्म वाले अंडे बोलते हैं, वो व्हाइट मुर्गी से आता है, बाकी कोई अंतर नहीं है, मतलब न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल ही सेम है। ये मिथ है कि देसी अंडे के पैसे हम ज्यादा पे करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा है, या व्हाइट वाले के हम कम पे करें उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी, क्लियर रही है। हाँ, जैसे कोई फॉरनर है, विदेशी है, हम इंडियन हैं, तो हमारे उनके कॉम्प्लेक्शन में हो सकता है थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़े गोरे होते हैं, थोड़ी हाइट उनकी ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं कि हमारा ब्लड का कलर भी डिफरेंस है, ऐसा नहीं है ना, वो सेम ही होता है ना, रेड ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस अंतर ये है, ब्राउन एग जो होते हैं वो ब्राउन मुर्गी से आते हैं और व्हाइट एग वो व्हाइट मुर्गी से आते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट वैल्यू में जीरो जीरो डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग फंडा है, ठीक। लेकिन हाँ, हमें कहाँ ध्यान देनी चाहिए, जो देसी अंडे होते हैं, गांव के मुर्गी होते हैं, ब्राउन मुर्गी होते हैं, वहां व्हाइट मुर्गी भी होते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करें, जो हम अंडे ले रहे हैं तो हम उनसे हम खरीदें, गांव से लें या खुद अपने घर में मुर्गी हम रखे रहे वहां से हम अंडे लें। दिक्कत आती है व्हाइट एग में, जो इंजेक्शन लगा के, मतलब हार्मोन के इंजेक्शन लगा के जो अंडे निकालते हैं वो बस हार्मफुल है। हमें ये ध्यान देना है कि इंजेक्शन वाले अंडे ना लें, जो व्हाइट एग लेते हैं इंजेक्शन लगे हुए ना हो, बाकी अगर वो नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं हमें, गांव से मिलते हैं, हम खुद मुर्गी हमने पाल रखा है, रख रखा है, तो उसके अंडे होते हैं तो न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम है। तो किसी भी तरह की किसी भी बातों को आप ध्यान ना दीजिए, ज्यादा पे मत करिए, अगर आपको सही तरीके से मिलते तो आप व्हाइट एग भी खाएंगे, उतनी ताकत मिलेगी जितनी आपको ब्राउन एग से मिलती है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। आई थिंक आपके जो डाउट थे अभी तक के क्लियर हो गए, और आप अच्छा खाइए, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी अच्छा दिखेंगे। थैंक यू माय फैमिली, लव केयर एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।